अब अगले 5 घंटे तक लाइट जाने का दर्द वही समझ सकता है जो रात में अपना मोबाइल चार्ज पर लगाकर सोया हो पर स्विच ऑन करना भूल गया हो। ठीक ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अब इस अंतिम सांस गिनते मोबाइल को लेकर मैं पावर बैंक की तलाश में निकल पड़ता हूँ और यहाँ कर देखता हूँ तो ये जनाब लैपटॉप की ऊर्जा से अपने मोबाइल को CPR देते हुए मूवी देख रहे थे। इनसे मदद मांगना टोनी कक्कर से लिरिक्स मांगने के बराबर है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और इस टाइगर द डॉग से पूछता हूँ, भाई लाइट कब तक आई पता है? मुझे नहीं पता है। ऐसे में बिस्तर पकड़ के सोने के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था तभी बाहर से DJ बजने की आवाज आती है। मैं बाहर जाता हूँ और गेट खोलता हूँ। गेट इस स्थिति पर आकर रुका कि मैं एक समय के लिए सोच में पड़ गया कि अंदर जाऊँ या नहीं, पर हिम्मत करके अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि संदीप द पड़ोसी मराठी गानों पर झूम रहा है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। अब यहाँ लैपटॉप और स्पीकर दोनों चार्ज हैं। फिर मुझे आलू भुजिया की आवाज आती है कि आओ मुझे खा लो। फिर मैं जाता हूँ, उठाता हूँ और खाने लगता हूँ, पर आवाज आना अभी भी शांत नहीं हुई थी, मतलब कुछ और भी है। भुजिया खाते खाते लिरिक्स समझने की कोशिश करता हूँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता, पर वो मुझे समझ आती है संदीप के एक्सप्लेनेशन से कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुश्मनों को मारा था। हॉस्टलर होने का यही फायदा कि आपको पूरा इंडिया एक ही जगह पर जानने को मिल जाता है। फिर मेरी नजर जाती है दीवार पर लिखे इस कड़वे सच पर, पता नहीं संदीप सुबह सुबह से कैसे झेलता हुआ। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक।